बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि पीपीएससी का जो नया फार्मूला एकेडमिक मार्क कैलकुलेट करने का वो क्या है। तो बेसिकली एकेडमिक मार्क के टोटल जो 40 नंबर होते हैं, जिसमें जो मैक्सिमम मार्क मैट्रिक के 5, एफएफएससी के 7 और ग्रेजुएशन के जो 28 नंबर शामिल हैं, तो ये टोटल मिलाकर 40 नंबर जो वो बन जाते हैं। तो इसमें बंदा जो है वो मुख्तलिफ नंबर हासिल कर सकता है, फिर इसके 40 में से 25 नंबर या 23 नंबर। तो वही मैं आपको जो है वो बताने जा रहा हूँ कि आप अपने मार्क्स जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने मैट्रिक के जो है वो कैलकुलेट करने हैं, तो आपने जो है वो फिर इस तरीके से करना है कि अपने जो भी परसेंटेज है उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो फॉर एग्जाम्पल फिर आपका जो है वो 85% परसेंटेज है, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करके 4.25 आपके नंबर आए। उसके बाद एफ एफ एस सी की जो परसेंटेज है आपकी फर्ज के 78% है, तो उसको 7 से मल्टीप्लाई किया, तो आपको जो 5.46 एफ एफ एस सी में नंबर आ गए। और ग्रेजुएशन जो 4 ईयर की है, तो इसमें आपने जो फर्ज की आपकी परसेंटेज 84% है, तो उसको आपने 28 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके जो 23.52 आ गए। तो इस तरह जो वो जो एग्जांपल मैंने आपको दिया है, इसके मुताबिक इस कैंडिडेट के जो 40 में से 33.23 नंबर आ चुके हैं। तो बेसिकली जो वो इसको कैलकुलेट करना आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। सिंपली आपने परसेंटेज को आपने जो वो 5, 7 और 28 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास जो 40 में से नंबर जो वो आ जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी अपने नंबर कैलकुलेट करने के हवाले से। लेकिन अगर फिर भी किसी के जहन में कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन हो, तो आप इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मैं इजाजत चाहता हूँ। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।